मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो ये रहा आपका डिफिनीशन। देखिए यहाँ पे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए प्रॉपर सबसेट यू। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय एक के पावर, यहाँ पे डैश देते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या और यू माइनस ए इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक पावर डैश ऐसे हमको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और देखिए इसको एक्स सच डैट, एक्स इस प्रकार एक्स है कि यू जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू सच डैट एक्स जो है, एक्स सबसेट नहीं है ए के। देखिए क्लियरली यहाँ पे एक्स बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ एक्स डो नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे इसको देखते हैं। देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, एंड लेट ए प्रॉपर सबसेट है यू का। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट यहाँ पे आता है, तो देखिए प्रॉपर सबसेट हमने पहले भी पढ़ा था। प्रॉपर सबसेट कब होता है, प्रॉपर सबसेट आपका तभी होगा जब, देखिए जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर सबसेट को समझ लेते हैं। देखिए अगर सेट हम लोग ए ले रहे हैं और सेट बी ले रहे हैं, दो सेट यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो देखिए ए प्रॉपर सबसेट बी तभी होगा जब ए का टोटल एलिमेंट, देखिए ए का प्रॉपर सबसेट बी तब होता है, इसका डिफिनेशन कहता है प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए सबसेट होना चाहिए बी का। ठीक है, ए सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी, यानी कि अगर ए में हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं वही एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, यानी कि ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, लेकिन ए सबसेट होना चाहिए बी के। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए यू के, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई ए के पावर डैश को इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, और या फिर यू माइनस ए, ठीक है, इज डिफाइंड एज ए के पावर डैश, इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं कैसे, तो स्मॉल ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक्स सच डैट यू सच डैट एक्स डो नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, क्लियरली एक्स बिलोंग करेगा अगर ए के पावर डैश से, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है बिलोंग नहीं करेगा ए से, या फिर अगर एक्स, देखिए तो ये तो आपका डिफिनेशन रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल जब तक नहीं समझेंगे क्लियर हम लोगों को नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे कि इफ़ आपका यू, हमने एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हमने एक यूनिवर्सल सेट माना। ठीक है, एंड यहाँ पे ए हमने कोई सेट मान लिया यहाँ पे, जैसे कि 2 4 6 8 यहाँ पे हमने सेट यहाँ पर हमने मान लिया 2 से लेकर 8 तक। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल में एक यूनिवर्सल सेट माना और एक सेट ए माना। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हम लोगों को फाइंड करना है। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता था, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, देखिए एंड ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी, यानी कि ए जो है प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी। ठीक है, सॉरी यू,
ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए यू के, यानी कि ई जो है इसका टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4 यहाँ पे है, 6 और 8, ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर सबसेट है किसका, तो यूनिवर्सल सेट के, यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब ये प्रॉपर सबसेट तो हो गया, तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट यू के हो जा रहा है। देन अब उसके आगे चलते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, ए के पावर डैश से, ठीक है। चलिए और यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह रहा है, यू माइनस ए हम लोग करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड होगा, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन मेन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो देखिए हमने इसकी पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट ए के बारे में, यानी कि डिफरेंस हमने जाना था कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दो सेट दिया रहा है ए और बी दो सेट यहाँ पे दिया रहा है, अगर आपको यहाँ पे ए माइनस बी फाइंड करना हो, दोनों सेट के अंदर डिफरेंस फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए वैसे यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यू माइनस ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यू माइनस ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और सेट यहाँ पे ए को हम लोग लिखेंगे, तो सेट ए पे यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे हमने यू माइनस ए कर लिया, ठीक है, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया यू और ए के बीच। चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 7 और 8। अब ये कैसे हुआ, हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर यू में से अगर हम लोगों को ए को यहाँ पे घटाना है, तो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो सेट है यहाँ पे, इसके अंदर ये सेकंड वाला सेट को हटा दिया जाता है, और जो बाकी सेट इसके अंदर बच जाता है वही आपका हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसमें से 2, 4, 6, 8 को यहाँ पे हमने घटा लिया, तो इसमें से वो हट गया, और यहाँ पे क्या बच गया, तो 1 बच गया आपका, 3 बच गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे 5 ही है, 5 भी बच गया, और यहाँ पे 7 और 8 तो यहाँ पे घट चुका है, सॉरी। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 आपका सेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका निकल के आ गया, तो इसको हम लोग अब यू माइनस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को यू माइनस ए से भी लिखते हैं, ठीक है। और यही आपका मेन डिफिनेशन है, यू माइनस अगर हम लोग ए करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड हो जाता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड हो गया। तो चलिए ऐसे ही आपको कोई भी एग्जांपल दिया रहा है, वहाँ पे अगर आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है, और एक सेट कुछ और दिया रहेगा, जैसे कि ए बी करके दूसरा सेट दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स करके दूसरा सेट दे सकता है। तो चलिए अगर आपको कह दे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स क्यों कहेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेट एक्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स ना देकर अगर यहाँ पे वाई दे दे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। तो जब आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई फाइंड करना हो, तो यू में से क्या करेंगे, जो एक्स या वाई जो भी सेट दिया रहेगा उसको घटा लेंगे, और जो आपका सेट निकल कर आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्स हो जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।